हेलो किड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज के एजुकेशन गाइड में मैं धर्मिष्ठा आपको वेलकम करती हूँ। आज हम मैरीगोल्ड का स्टैंडर्ड थर्ड का इंग्लिश का चैप्टर देखेंगे। चैप्टर नंबर है 3, यूनिट 3, लिटल बाय लिटल। तो चलो हम ये स्टार्ट करते हैं। लिटल बाय लिटल, लिटल बाय लिटल एंड एक्रॉन से As it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day. Hidden deep in the earth away, little by little each day it grew. Little by little it seeped the dew. इसमें कहा गया है कि एक छोटा सा जो बीज है, वो बीज के बारे में बताया गया है कि वो बीज है छोटे से बड़ा होता है, तो उसके दौरान क्या क्या होता है ये सब बताया गया है। तो जो बीज है वो बड़ा होता है, एक्रॉन यानी बीज, वह धीरे धीरे से बड़ा होता है और अच्छे से इम्प्रूवमेंट करता है। वो जैसे वो बीज बता रहा है कि मैं स्लोली स्लोली यानी धीरे धीरे बड़ा हो रहा हूँ, मगर मैं जमीन के बीच नीचे छुपा हुआ हूँ और धीरे धीरे से मैं बढ़ रहा हूँ, पर मैं धीरे धीरे से बढ़ रहा हूँ और पानी की जो बूंद आती है वो धीरे धीरे से वह पी रहा है। इस तरह से जमीन के नीचे यानी अर्थ बोलते हैं ना, तो उसके नीचे छिपा हुआ है, हिडन यानी छिपा हुआ है। इस तरह से वह नीचे है पर धीरे धीरे से ईच डे यानी एक एक दिन वह बढ़ रहा है, पर वो दिखता नहीं है क्योंकि वो जमीन के नीचे छुपा है। और जो हम पानी बीज के लिए डालते हैं ना, तो वो पानी है वो सीपड़ सीपड़ यानी एकदम धीरे धीरे से वह पीता है। ठीक है, नेक्स्ट है डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट Up in the air sprang a tiny shoot, day by day and year by year. Little by little the leaves appear and the slender branches spread fair and wide till the mighty oak is the forest pride. इसमें बताया गया है कि जब वह नीचे की तरह होता है तब जो उसकी रूट्स होती है, मेरी वह रूट्स यानी जो बीज है उसकी रूट्स होती है वो कैसी होती है, वह एक धागे की तरह होती है, थ्रेड लाइक यानी धागे की तरह होती है जो उसकी रूट्स होती है ना। यहाँ पे हमें पिक में दिखाया गया है कि ये जो रूट्स है वह कैसी है, धागे की तरह है। और वह जब ऊपर की तरफ आता है तो उसकी जो पेड़ की तने होती है, ये देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, तो वह ऊपर का हिस्सा है और ये है वह नीचे का हिस्सा है। तो वहाँ ऐसे बताया गया है कि जब मैं बड़ा होता हूँ तब वह ऊपर की तरफ फैलता है, तब वो कैसा होता है कि पेड़ की तरह बनता जाता है, तन्ना पेड़ के तन्ना है वैसे बढ़ता ही जाता रहता है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, जैसे जैसे साल गुजरते हैं, वह बड़ा होता है और बड़ा होने से क्या होता है, उसके ऊपर पत्तियाँ आती है जो लीव्स है। यहाँ पे देख रहा है ना, ये बीज है तो बड़ा होगा तो ऐसे लीव्स आएंगे, ऐसे वहाँ बता रहा है। और जब वो उसकी टहनियाँ हैं वह बहुत बड़ी हो जाती है, इस वजह से वो क्या बहुत बड़ा ट्री बन जाता है। और वह जंगल में भी प्राइड यानी गर्व से, जंगल में गर्व से खड़ा रहता है। और वो कैसे बनता है, माइटी, माइटी यानी बहुत बड़ा, ऑक ट्री हो ऐसे बन जाता है। ठीक है, ये हमारे जो एक्सप्लेनेशन है मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा मैंने कुछ स्पेलिंग लिखे है, ये जो है और ये वाले, तो उसके मैंने जो मीनिंग्स लिखे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी, वो आपको लर्न करने हैं तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। एक्रॉन तो उसका मतलब है बीज, मैंने यहाँ पे गुजराती में लिखा है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपकी जो मदर टंग है उसमें आप लर्न किया कीजिए, क्योंकि आपको जिसमें समझ में आता है वो पहले आपको समझना जरूरी है, फिर उसे आपको हिंदी में कन्वर्ट करके समझना है। सेकेंड नंबर है हिडन, हिडन यानी गुजराती में उसे बोलते हैं छुपाएलू यानी छुपा हुआ, स्लोली यानी धीरे धीरे, डाउनवर्ड यानी नीचे, स्लेंडर यानी एकदम सीधा, माइटी यानी बहुत बड़ा जो होता है ना वो, ब्रांचेस यानी टहनियाँ, प्राइड यानी गर्व से, इम्प्रूविंग यानी सुधार होना, सीपड़ यानी आराम से पानी पीता है यानी धीरे धीरे पानी पीता है वह, फिर है सुट यानी जो पेड़ की टहनियाँ होती है ना उस तरह से जो फ्रूट्स वगैरह निकलते हैं ना, तो उसकी जो भी टहनियाँ होती है ना वो है। तो फ्रेंड्स माफ़ करना, जो स्टूडेंट्स अपना ये जो स्पेलिंग है वो आपको लर्न करने हैं और आपके पेरेंट्स को भी बोलना है, तो वो आपको ये इंग्लिश वर्ड्स देंगे
ये बोलेंगे तो आप स्पेलिंग भी लिख पाओगे और उसका मीनिंग्स भी, तो आपकी जो वोकेबुलरी है वो बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स ये स्पेलिंग है वो जरूर से आप करना और मुझे बताना कि आपके मॉम या पापा ने टेस्ट ली तो उसमें से कितना सही हुआ है। और फ्रेंड्स इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं जो सेकंड होगा वीडियो हमारा उसमें मैं दिखाऊंगी। अभी के लिए मैं इतना ही करवाती हूँ, और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना, और ऐसे दूसरे वीडियो आपको मिलते रहे इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।